स्टोरी विथ बिनाका, सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। आज मैं आपको सुना रही हूँ सुकरात की छोटी सी कहानी, शादी करनी चाहिए। दार्शनिक सुकरात के कई शिष्य थे। उनमें से एक शिष्य एक दिन पसोपेश में था कि उसे शादी करनी चाहिए या नहीं। उसने अपने मित्रों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, परिचितों और बुजुर्गों सभी से अपने अपने ढंग से सलाह ली। किसी ने कहा शादी कर लेना और घर बसा लेना, इससे जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। वो अपनी बात के पक्ष में तरह तरह की दलीलें देते। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसको शादी न करने की सलाह देते थे और कहते थे कि शादी में झंझट ही झंझट है, इसको करने से ज्यादा इसको निभाना पड़ता है। इतनी सारी सलाह मिलने के बाद शिष्य बड़ा ही धर्म संकट में पड़ गया। आखिर करे तो क्या करे। आखिरकार उसने अपने गुरु से सलाह लेने का निश्चय किया। शिष्य का सोचना था कि गुरु ही सही राह दे सकते हैं, क्योंकि खुद उनका पारिवारिक जीवन बड़ा ही कष्टकारी था, इसलिए वो ज्यादा व्यवहारिक और सही सलाह दे सकते हैं। शिष्य सुकरात से सलाह लेने आया। सुकरात ने कहा उसको शादी कर लेनी चाहिए। शिष्य ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और उसने कहा, आपका पारिवारिक जीवन तो ठीक नहीं है और आपकी पत्नी भी बहुत झगड़ालू है, और मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने आपका जीना दुभर कर रखा है, फिर भी आप मुझे शादी करने की सलाह दे रहे हैं। सुकरात ये सुनकर मुस्कुराए और कहा, यदि तुम्हें शादी के बाद अच्छी पत्नी मिल गई तो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन में खुशियां लाएगी और उन खुशियों की बदौलत तुम सफलता के नित नए सोपान को छू पाओगे। और यदि मेरी पत्नी की तरह कर्कश पत्नी तुम्हें मिल जाती है तो तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं हो जाएगी कि तुम भी मेरी तरह दार्शनिक बन जाओगे। यानी कुल मिलाकर शादी किसी भी तरह घाटे का सौदा नहीं है। बस यही थी छोटी सी मगर गूढ़ कहानी। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।